प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की विदेश नीति बने बनाए तटबंधों और रास्तों की सीमाओं से बाहर निकलकर नई अवधारणाओं और सोच की तरफ आगे बढ़ी है। इसका जोर विभिन्न देशों को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भारत के साथ जोड़ने पर है। साथ ही वे सभी देशों में बसे या काम कर रहे भारतवंशियों को वहाँ के साथ अपने देश से भी भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की ये ऐसी दो धाराएं हैं जिसे भले ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी का नाम दिया जाए, लेकिन है ये विशुद्ध रूप से भारत की वैश्विक अवधारणा को साकार करने का सशक्त प्रयास, यानी वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा। प्रधानमंत्री की पहली यात्रा भूटान से शुरू हुई, जहां वे आम लोगों से घुल मिल गए। नेपाल में उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा कर वहां की जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की। जापान में क्योटो को काशी की विरासत से जोड़ा तो म्यांमार में पगोड़ा जाकर आम लोगों की भावना का सम्मान किया। अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों के साथ उनका संवाद तो खैर ऊर्जा से लबालब भरा था ही। सेशल्स में भी 4 समझौते हुए। वहां भी भारतवंशियों को संबोधित करते हुए मोदी ने भारत से दिलों को जोड़ने की कोशिशें की। मॉरिशस को बुनियादी ढांचे के लिए $50 करोड़ के रियायती कर्ज की पेशकश हो, या पेट्रोलियम भंडारण के लिए गोदाम बनाने का ऐलान, या फिर दोहरे कराधान समझौते की समीक्षा पर सहमति, रिश्तों का एक नया पक्ष सामने था। प्रधानमंत्री का भाषण दोनों देशों के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भाषाई रूप से एक होने के संदेश देने पर फोकस था। मॉरिशस में प्रधानमंत्री गंगा घाट तालाब पर गए तो इससे वहां की आबादी के साथ कनेक्ट हुए। मोदी ने मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की आधारशिला रखी। ये हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। श्रीलंका में मोदी ने इतिहास, परंपरा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक रिश्ते वगैरह की बात से उनको जोड़ने और उसके लिए कुछ साकार करने की कोशिश की। अनुराधापुर में मोदी बौद्धों के सबसे पवित्र स्थल महाबोधि वृक्ष मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। चीन जैसे धुर साम्यवादी देश के साथ रिश्तों में प्रधानमंत्री ने बौद्ध धर्म का कनेक्शन लगाया। आखिरकार चीन में प्रचलित बौद्ध धर्म की जड़ भारत से ही है। कोरिया हो या मंगोलिया, प्रधानमंत्री सांस्कृतिक जड़ों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई परिभाषा देते नजर आए। ऐसी भूमिकाओं का सीधा असर लोगों के दिलों पर होता है, तो ये मोदी की विदेश नीति का ऐसा पक्ष है जो धीरे धीरे मुखर हो रहा है। इससे आने वाले वक्त में भारत के साथ ऐसे देश खड़े दिखेंगे। दुनिया भर में फैले भारतवंशियों का भारत को लेकर ऐसा सामूहिक आचरण दिखेगा जिससे एक बृहत्तर सांस्कृतिक और सशक्त भारत की झलक दुनिया को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनय का यह सांस्कृतिक पक्ष भारत के लिए नया है और असरदार भी। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़।